हमारे राष्ट्रनायक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी भारतीयों को एक नम्र आह्वान किया है कि आज रात 9 बजे हम हमारे खिड़की से बाहर या बालकनी से बाहर दीप प्रज्वलित करें, एक दीप हम सब प्रज्वलित करें और एक मंगल प्रार्थना करके, सामूहिक प्रार्थना करके, दीप प्रज्वलित करके एक सकारात्मक ऊर्जा को प्रज्वलित करें, जो ऊर्जा हमें इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बहुत उपयुक्त है। और हम सब एक हैं इस भावना के साथ, आइए आज सकारात्मक ऊर्जा को एक सूत्र में प्रज्वलित करें। दोस्तों, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतम गमय। हे ईश्वर, हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा, सत्य से सत्य की ओर ले जा और मृत्यु से अमृत तक ले जा, यह प्रार्थना है। मेरे एक मित्र हैं आशुतोष आपटे, उन्होंने एक बहुत ही सांप्रत अपद्य गद्य लिखा है, बहुत बहुत ही आज के दिन के लिए बहुत कमाल का काव्य है। एक दीप प्रज्वलित करने से क्या होगा, एक दीप प्रज्वलित करने से क्या होगा, एक दीप प्रज्वलित करने से शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसे अनेक दीप एक ही समय पर प्रज्वलित हों, एक ही समय पर प्रज्वलित करें तो कुछ लोग हंसकर कहेंगे भाई प्रखर लाइट है, प्रखर विद्युत होते हुए भी हम दीप क्यों प्रज्वलित करें भाई। दोस्तों, जुगनुओं से जो होता है वो तो सूर्य के प्रज्वलित होने पर भी नहीं होता, जुगनुओं से जो होता है वो तो सूर्य के प्रज्वलित होने पर भी नहीं हो सकता। कृति बहुत छोटी होती है, कृति बहुत मामूली होती है, लेकिन जब वो कृति सामूहिक हो जाती है तब उसकी ताकत प्रचंड हो जाती है। किंतु ध्यान में रहे, स्मरण रहे, कृति यानी उपाय बिल्कुल नहीं होता, कृति यानी उपाय बिल्कुल नहीं होता, वो तो केवल एक आवाज होती है जन समूहों को एकत्रित करने के लिए। प्रत्यक्ष युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए लड़ना ही अनिवार्य होता है, प्रत्यक्ष युद्ध में युद्ध विजय प्राप्ति के लिए लड़ना ही अनिवार्य होता है, लेकिन शंख घोष करने से युद्ध करने का प्रचंड सामर्थ्य बढ़ता है, प्रचंड साहस बढ़ता है, प्रचंड उत्साह बढ़ता है। इसलिए युद्ध के समय अंतराल में बीच बीच में आवाज देनी पड़ती है, इसलिए युद्ध के समय अंतराल में बीच बीच में ऐसी आवाज देनी पड़ती है। ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो सो कॉल्ड स्वयं प्रकाशित लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका स्वयं प्रकाश उनके स्वयं तक भी पहुंचे तो भी बहुत। तो दोस्तों, आज रात 9 बजे हम सब साथ मिलकर सारे भारतीय एक सकारात्मक ऊर्जा को प्रज्वलित करें और कोरोना को हराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।